हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग का क्लिप है और आज मैं फटाफट जल्दी से फूलगोभी का सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ और इसको मैं देखती ही भी जा रही हूँ क्योंकि ना ये फूलगोभी में जो रहते हैं ना कीड़े ही रहते हैं एकदम बड़े बड़े से। तो अभी मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ और मैं आलू एक साइड अभी छिल के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं कम से कम इसको 5 मिनट तक बॉयल करके रख लूँगी। और ऐसे तो सभी कोई बनाते हैं सब्ज़ी, लेकिन सबको अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, मैं इस तरह तरीके से बनाती हूँ फूलगोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे मसाले भून लिए थे और भूनने के बाद यहाँ पे जो मेरा बॉयल किया हुआ आलू था और फूलगोभी थे, तो उसको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। उसके बाद भूनने के बाद ना मैंने नमक अपने अनुसार नमक हल्दी दे दी थी। उसके बाद फिर मैं मटर को भी भून ले रही हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा सा लोग के साथ मिल जाएगा मसाले तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे मेरा ना भुना हुआ हो जाता है और होने के बाद मैं अपने अनुसार यहाँ पे पानी डाल देती हूँ। और जब मैं उतारने लगती हूँ तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी हरे हरे डाल देती हूँ। तो ये हरे हरे धनिया पत्ता डालती हूँ तो आप लोग को पता ही होगा कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद ना मैंने सारे सुबह का नाश्ता भी कर लिया है और अभी मैंने दोपहर का भी खाना बना लिया है। और ये करीब 12 बजे के क्लिप है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सुबह से धान धान जो है ना वो बॉयल की थी ना, तो वो धूप में सारे सुखा दी थी। तो सुखाने के बाद ये जो आप बड़े से बोरी देख रहे हैं ना, ये काफ़ी बहुत ही बड़े हैं। और लेकिन अभी आप लोगों को क्योंकि हम मोड़ दिए हैं ना तो वो आप लोगों को छोटे लगते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी आज हम लोग के यहाँ धान पिसाई हो रहा है तो अभी मैं इससे निकाल देती हूँ, आसानी होते हैं। और यहाँ पे जल्दी जल्दी फिर पापा ले जाते हैं तो हम भी ले जाती हूँ, और जब पापा आ जाते हैं तो पापा भी ले जाते हैं। तो अभी मम्मी वहीं पे है, धान जहाँ पीस रहा है वहाँ पे चावल इधर उधर कर रही है। हमेशा काम काम काम, इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि अब हम तो काम से उबर गए थे। क्या करें कि हम लोग किसान हैं ना, बिन काम किए हुए खा नहीं सकते हैं और इतने मेहनत करते हैं फिर भी हम लोग का मेहनत का फल भी नहीं मिलते हैं। पता नहीं मेहनत करते रहना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा अभी समझ में भी नहीं आते हैं। काम कर कर के थक चुके हैं और हम किसान को सिर्फ काम ही करके पेट भरना पड़ता है। और इस तरह से ना सारे धान को मैं निकाल लूँगी। और छत के ऊपर भी धान है जो कि अरवा चावल पिसाना है। तो जो अरवे चावल होते हैं ना और ये जो मेरा बॉयल किया हुआ है इसलिए मैं उसको अलग अलग रखी हूँ, तो वो अभी छत के ऊपर ही है। और मैंने अपने फेस को भी बांध लिए थे क्योंकि यहाँ पे ना जो धान मशीन है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डस्ट उठते हैं और जब डस्ट फेस में बैठते हैं ना तो वही पिंपल्स वगैरह निकलने जाते हैं। तो इसलिए मैं अपना फेस को बांध लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, एक बार निकल चुका है और दोबारा फिर इसको डाल के चावल को साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी पापा भी है, मम्मी भी यहीं पे है और हम धान उधर से लेके आते हैं। और ये जो मशीन है ना बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे इसलिए मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं रही थी, ऐसे ही वीडियो बना दी। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। और अभी देख सकते हैं कितने ख़राब अभी हम दिख रहे हैं। और अभी यहाँ पे मुझको भूख लग जाती है ना तो मैं यहाँ धूप में छत में खाने बैठ। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं रात को सीधे आज 7 बजे मिल रही हूँ। जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो में देखे ही होंगे कि मैं आज कितनी बिजी थी, पूरा एकदम बहुत ही ज्यादा सुबह से बिजी थी, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती थी। जो मैंने 2 महीनों से ये जो धान होते हैं ना, धान को मैं मेहनत कर रही थी और आप लोगों को क्या बताया, आज मैं बहुत ज्यादा भी थक गई हूँ। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने थक गई हूँ। मैंने अभी रात का खाना भी नहीं बनाया है
तो फाइनली ने आज मेरे घर में चावल बन के रेडी हो चुके हैं, तो अब सिर्फ उनको साफ करके और रखना होगा। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कितने ज्यादा चावल हमने पिसाए हैं मशीन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, तो मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ ना। यहाँ पे मोबाइल के कैमरे की लाइट जलाती हूँ, तो यहाँ पे ना लाइट आती है किचन से, तो यहाँ पे बाहर में लाइट नहीं है इसलिए लाइट आप लोग को नहीं दिखती होगी। तो ये देखिए, ये है हम लोग के उसना चावल, देख सकते हैं इतना ज़्यादा है। और यहाँ पे जो बोरी में आप देख रहे हैं ना, ये सब अरवा चावल है। और ये जो गमले में भी है, ये भी अरवा चावल है। आप देख सकते हैं कि हम लोग आज कितना सारा चावल पिसवाए हैं। तो यही सब करने में आज मेरा दिन भर दिन टाइम लग गया। और अभी तक है ना, मैं रात का खाना भी नहीं बनाई हूँ क्योंकि शाम हो चुकी थी धान पिसाने में, तो शाम में मैंने खाना खाया क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ नाश्ता किए थे। तो मैं 4 बजे खाना खाई हूँ, उसके बाद पूरा साफ सफाई की घर को, गंदे हो गए थे। उसके बाद मैं नहाई भी, चेंज की कपड़ा, फिर आरोही को भी चेंज की कर दी हूँ, और अभी उसको तेल लगा के उसको सुला ली हूँ। उसके बाद मैं अभी बनाऊंगी जो मेरे अरवा चावल हम पिसाए हैं आज ना, तो उसी का मैं अभी सोची कि मैं उसी का आज रोटी बना देती हूँ और सब्जी बना देती हूँ जल्दी से फटाफट। तो अभी मैं उसको पीसती हूँ और रोटी फटाफट बनाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं बरंडे में आई हूँ मिक्सी लेके पीसने के लिए। तो वहाँ पे जो हम किचन में भी है कोड, लेकिन वहाँ पे एक ही अभी कोड है, तो उसमें अभी इंडक्शन में भी पानी चढ़ाए हैं, इसलिए अभी यहाँ पे बरंडे लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरह से करके सारे को पीस ले रही हूँ, और ये पतले पीस रही हूँ ताकि जब हम बनाएंगे रोटी ना, तो रोटी में दाना दाना ना लगे। तो इस तरह से करके सारे को मैं पीस लूँगी, और ज़्यादा नहीं है, बस अब थोड़ा ही सही बचा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बचा हुआ है, तो फिर मैं ना किचन आ जाती हूँ। और यहाँ पे फिर देखिए, किचन में आने के बाद अपने अनुसार यहाँ पे हल्के से नमक डाल देती हूँ और हल्का सा हल्दी पाउडर, और जो मेरा पिसा हुआ मसाले रहते हैं ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पीस के मसाले रखती हूँ, तो ये जो आप देख रहे हैं ना हरे हरे, तो ये जो हरे हैं ना, ये लहसुन के पत्ते हैं, क्योंकि घर में ख़त्म हो चुके थे तो मैं बाड़ी से लेके आई थी लहसुन कल ही, तो आज का नहीं है, कल का ही था, तो उसी को मैं पीस डाली थी। और यहाँ पे देखिए, मैं जो आलू थे ना, आलू बॉयल की थी, उसको मैं मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरा ईंट का चूल्हे में ना मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि अच्छा लगते हैं ईंट के चूल्हे में खाने बनाने में, जल्दी भी पकता है और उसका स्वाद भी अच्छा लगते हैं। यहाँ पे मेरा जल्दी भी बन जाएगा क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 9, तो पापा को भी भूख लग रही है। तो फ्रेंड, मैं वीडियो को यहीं तक एंड करती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो लंबे हो जा रहे हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और अच्छी वीडियो के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।